हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री सीरीज़ का चैप्टर 3 लेके आए हैं फ्रेंड्स। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, ये हमने एक हिस्ट्री की सीरीज़ चलाई है जिसमें हम लोग 1000 यानी 1000 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे फ्रेंड्स। तो ये उस सीरीज़ का तीसरा चैप्टर है फ्रेंड्स। अगर आपने पहले दो चैप्टर नहीं देखे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए जीके क्लासेस को और बेल आइकन दबाइए ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो आपको मिले सबसे पहले। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि हिंदी में मसनवी लिखने की प्रथा किस काल में शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, जो इसके ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मुगल काल, ऑप्शन बी तुगलक काल, ऑप्शन सी लोदी काल, ऑप्शन डी भक्ति काल। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी तुगलक काल, क्योंकि तुगलक काल में ही मसनवी लिखने की प्रथा शुरू की गई थी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो आज का सेकंड क्वेश्चन है वो है कि भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण के नेतृत्वकर्ता कौन था। तो फ्रेंड्स, जो इसके ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिक, और जो ऑप्शन सी है वो है सुबकतगीन व मोहम्मद गौरी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी, क्योंकि भारत पर जब सर्वप्रथम तुर्की का आक्रमण हुआ था फ्रेंड्स, तो इनका नेतृत्व तो इन्हीं दो लोगों ने किया था, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने। इसका थर्ड क्वेश्चन है वो है कि प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन भारत से बाहर ले गया। तो फ्रेंड्स, जो इसके ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नादिर शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी तैमूरलंग और ऑप्शन डी डलहौजी। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नादिर शाह, क्योंकि इन्होंने ही जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था वो भारत से बाहर लेके गए थे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो आज का फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो इसका ऑप्शन है वो है 1195 ईस्वी में, और ऑप्शन बी 1191 में, ऑप्शन सी 1192 में, ऑप्शन डी 1190 में। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1191 में, क्योंकि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, वो 1191 में ही हुआ था फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन है वो है कि हिंदू जिसे अकबर ने 700 मनसब प्रदान किए थे, यानी वह हिंदू कौन सा है जिसे अकबर ने 7000 मनसब प्रदान किए थे। तो फ्रेंड्स, जो इसके ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बिहारी लाल, ऑप्शन बी मणिकलाल, ऑप्शन सी मानसिंह और ऑप्शन डी टोडरमल। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मानसिंह, क्योंकि अकबर ने इन्होंने 7000 मनसब प्रदान किए थे फ्रेंड्स। जो आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है कि तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो इसके ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1192 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1180 में, ऑप्शन सी 1191 में और ऑप्शन डी 1194 में। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1192 में, क्योंकि जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। जो आज का सेवेंथ क्वेश्चन है वह कि तीसरे पानीपत के युद्ध में जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी, यानी जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें एक जाट शासक जो जिनका नाम सूरजमल था उनकी क्या भूमिका थी। तो फ्रेंड्स, जिसके ऑप्शन है वो है उन्होंने मराठों का सक्रिय सहायता की, यानी उन्होंने मराठों की सहायता की, और ऑप्शन बी उसने अहमद शाह अब्दाली की सहायता की, ऑप्शन सी वह युद्ध से अलग रहे और ऑप्शन डी उसकी सेना ने मराठों को आंशिक सहायता दी। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कि वो युद्ध से अलग रहा, क्योंकि जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने कोई भी भूमिका ली उन्होंने उस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया था। एट्थ क्वेश्चन है वो है कि फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद के विशाल प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे को अकबर ने अपने किस विजय स्मरणार्थ निर्मित कराया था। फ्रेंड, जो इसके ऑप्शन है वो है ए गुजरात, ऑप्शन बी सियालकोट, ऑप्शन बी बरार, ऑप्शन डी खानदेश। तो फ्रेंड, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गुजरात, क्योंकि गुजरात के याद में ही उन्होंने वह फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे बनाए थे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो आज का नाइन्थ क्वेश्चन है वो है कि मोहम्मद गौरी ने भारत के विजित प्रदेशों पर शासक का भार किसको सौंप कर गजनी गया। तो फ्रेंड्स, जो इसके ऑप्शन है वो है ए
गुलाम सेनापतियों को, ऑप्शन बी भारतीय राजाओं को, ऑप्शन सी अपने मुख्य सेनापति को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गुलाम सेनापति को, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी गजनी जा रहे थे तो फिर उन्होंने भारत के जितने भी प्रदेशों को विजिट किया था उसमें गुलाम सेनापतियों को सौंप दिया था। फ्रेंड्स जो आज का 10th यानी आखिरी क्वेश्चन है वो है कि औरंगजेब का तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन था। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी फर्रुख सियर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी जहांदार शाह। तो फ्रेंड्स जो इसके आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बहादुर शाह, क्योंकि जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था वो बहादुर शाह था। फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे वो भी कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी सहायता हो सके। फ्रेंड्स और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हिस्ट्री के सीरीज़ के अगर और भी पार्ट आपको देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स।